नमस्कार दोस्तों, मैं हूं केशव खेरा और आपको यहां पर एक और नए स्मार्टफोन का मैं एक फर्स्ट इंप्रेशन दिखाता हूं। Xiaomi ने पिछले साल Mi 8 के साथ Mi 8 SE को लॉन्च किया था और इस बार कंपनी फिर इतिहास दोहरा चुकी है और Mi 9 के साथ Mi 9 SE लेके आई है और यही फ़ोन मेरे हाथ में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोन बेहद ही शानदार है। इनफैक्ट यहाँ पर मैं कहूँगा कि ये Mi 9 से भी बेहतर है। जी हाँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत ही कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन है, पकड़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी फील आने वाली है और देखने में भी फ़ोन काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत लाइट वेट है, आप इसको ज़रूर पसंद करेंगे। ऐसा लगता है कि फिर से कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन मार्केट में आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। वाटर ड्रॉप नॉच मिलता है, मेटल बॉडी दी गई है और बैक साइड पर ग्लास फिनिश है। हालांकि ऐसी यानी स्पेशल एडिशन छोटा वेरिएंट है, उसके बावजूद भी यहाँ पर आपको ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाते हैं और जैसा कि आपने Mi 9 में भी देखा था, जो इसका कैमरा के आसपास आपको एक शाइनी ये रिंग मिल जाती है, तो इसमें भी आपको सेम वही टेक्नोलॉजी मिल जाती है। हालांकि टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर, सिर्फ एक कलर पैटर्न की वजह से ये शाइनी है। पर एनीवे, हम इसके अब इंटरनल्स की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 5.97 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले जिस पर गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन दी गई है। छोटे नॉच के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ और आप देख सकते हैं कि बेजल्स भी बहुत ही स्लीक है। वहीं हम इसके प्रोसेसिंग वगैरह की बात करें तो इसमें आपको मिलता है कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट। आपको बता दूं कि अब तक का पहला स्मार्टफोन जिसमें आपको कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 712 चिपसेट मिल जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें आपको 6GB रैम के साथ 64GB की स्टोरेज मिल जाती है। एंड्रॉयड 9 पाई दिया गया है और MIUI 10 की लेयरिंग दी गई है। ओवरऑल फ़ोन पूरी तरह से पावर पैक्ड है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। हालांकि बैटरी वाइज हो सकता है कि आप इससे थोड़ा सा निराश हो क्योंकि इसमें आपको 3070 mAh की बैटरी मिलती है, पर इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें आपको टाइप सी पोर्ट मिल जाता चार्जिंग के लिए, तो यहाँ पर भी फास्ट चार्जिंग है और टाइप सी पोर्ट है, आप इजीली इसको चार्ज करके इस्तेमाल में ला सकते हैं। वहीं रियर कैमरा की बात करें तो इसमें आपको मिलता है 48+13+8 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें 13 मेगापिक्सल सेंसर जो है वो वाइड एंगल फोटोज क्लिक करता है, तो 8 मेगापिक्सल का जो सेंसर है वो टेलीफोटो लेंस है, आप उससे जूम फोटोज क्लिक कर पाएंगे। तो कैमरा में यहाँ पर भी आपको पूरी तरह से पावर पैक्ड ऐसी में फीचर्स मिल जाते हैं। वहीं फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर मिलता है, तो फ्रंट कैमरा में भी आप ज़रूर इससे इंप्रेस होने वाले हैं। पर एनीवे, ये था इस फ़ोन का छोटा सा फर्स्ट इंप्रेशन। कैसा लगा आपको ये फ़ोन, प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज़ केशव खेरा साइनिंग ऑफ।